हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी न्यूज़। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिनों के लद्दाख दौरे पर हैं, जहां इन्होंने 63 पुलों का उद्घाटन किया। तो जानते हैं इस पूरे कार्यक्रम के बारे में। सो लेट अस स्टार्ट। राजनाथ सिंह ने 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में BRO के द्वारा बनाए गए 63 पुलों का उद्घाटन किया। BRO यानी सीमा सड़क संगठन, ये भारत में एक सड़क निर्माण कार्यकारी बल है जो भारतीय सशस्त्र बलों को सहायता प्रदान करता है। भारत के बॉर्डर के पास वाले क्षेत्रों और पड़ोसी देशों में सड़क नेटवर्क का विकास करता है। इसमें भारत के 19 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों और पड़ोसी देशों जैसे अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, तजाकिस्तान, श्रीलंका में बुनियादी ढांचे को बनाए रखने का भी काम करता है। इनमें बर्फ हटाना, रास्तों व सड़कों का रखरखाव करना जैसे महत्वपूर्ण काम शामिल हैं। और BRO नई भारत चीन सीमा सड़कों के निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रक्षा मंत्री के इस 3 दिनों के लद्दाख दौरे पर लेह से 88 किलोमीटर आगे एक ब्रिज का उद्घाटन किया गया। ये ब्रिज 50 मीटर लंबा है। यहाँ पर पहले एक बैली ब्रिज था, जिसकी जगह पर स्टील का नया और आधुनिक ब्रिज बनाया गया है। इस ब्रिज पर भारी वेपन सिस्टम्स, गन्स, टैंकर्स और दूसरे सैन्य सामान को आसानी से ले जाया जा सकता है। ये रोड ईस्टर्न लद्दाख में फॉरवर्ड एरिया तक जाने के बेहद अहम रास्ते हैं। BRO ने सेना की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए इनका निर्माण किया है। इसमें 11 ब्रिज लद्दाख में, 4 जम्मू कश्मीर में, 3 हिमाचल प्रदेश में, 6 उत्तराखंड, 8 सिक्किम, 1 नागालैंड, 1 मणिपुर और 29 अरुणाचल प्रदेश में हैं। इनका उद्घाटन वर्चुअल तरीके से किया गया है। इन ब्रिजों के निर्माण प्रोजेक्ट में कुल लागत 240 करोड़ रुपए आई थी। पुलों के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री के साथ लद्दाख के उपराज्यपाल श्री RK माथुर, लद्दाख के सांसद श्री जामयांग, उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी और भी कई लोग उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में राजनाथ सिंह जी ने कहा कि ये पुल दूर दराज के क्षेत्रों में विशेष रूप से COVID-19 महामारी के दौरान नेटवर्क बनाए रखने में सहायता करेंगे और दूर के गांवों के लिए एक जीवन रेखा के रूप में काम आएंगे। ये नए निर्माण प्रोजेक्ट सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा को और मजबूत करने के साथ साथ बेहतर कनेक्टिविटी के माध्यम से राज्यों को आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में काफ़ी मददगार होंगे। BRO के इस नए निर्माण प्रोजेक्ट में 63 पुलों के उद्घाटन के साथ BRO ने अपना 2020 में लॉन्च किए गए 44 ब्रिजों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। तो ये थी 63 ब्रिजों से जुड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। So thanks for watching this video. Please like, subscribe and comment.